बच्चों हम उदाहरण 21 देखेंगे और इसमें हमें गुणा करना है 8 और 13 का, 8 गुणित 13, और इसे हम निकलम विधि से हल करना चाहते हैं। तो निकलम विधि में हमें पहले सबसे आधार ढूंढना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि एक संख्या 8 है और दूसरी संख्या 13 है और दोनों संख्याएं 10 के पास हैं, तो आप कह सकते हैं कि इनका आधार 10 है। और विचलन की बात हम करें तो हम पहले संख्याएं लिख लें, संख्याएं, और दूसरा उनका आधार से विचलन। तो हमारी पहली संख्या है 8 और आप देख रहे हैं कि 8 10 से 2 कम है, तो हम कह सकते हैं कि इसका विचलन -2 के बराबर है। दूसरी संख्या हमारी 13 है और 10 से इसका विचलन -3 के बराबर होगा। और जब हम इनका गुणा करेंगे तो आप देखिएगा हमें दो हिस्से मिलेंगे, दायां हिस्सा और बायां हिस्सा, दाहिना भाग और बायां भाग। तो जो दाहिना भाग होगा वो इन दोनों का गुणा होगा। तो आप देख रहे हैं एक संख्या -2 है और दूसरी संख्या -3 है, इनका गुणा करने पर हमको 6 मिलेगा जो ऋणात्मक होगा। और बाएं हिस्से को प्राप्त करने के लिए आप किसी एक संख्या में दूसरी संख्या के विचलन को जोड़ेंगे, तो आप 8 और 3 को जोड़ें तो आपको 8 और 3 को जोड़ने पर 11 मिलेगा। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि दूसरी संख्या और पहली संख्या के विचलन को आप जोड़ लें तो आपको मिलेगा 13 -2, ये भी आपको 11 मिलेगा। इस तरह से भी आप बाएं हिस्से को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपको दो तरीके से 11 मिल रहा है। एक और भी तरीका है जो आप जानते हैं कि हम आधार लें और इसमें दोनों विचलनों को शामिल कर लें। तो पहला विचलन -2 है और दूसरा विचलन -3 है, 10 और 3 13 में से 2 के 11, इस तरह से आप बाएं हिस्से को प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको मिल रहा है 11 के बराबर। लेकिन यहाँ जो आपके पास 6 है वो ऋणात्मक है, जो बताता है कि इस पूरी संख्या में से आपको 6 घटाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं इकाई में -6 है और दहाई में 1 है, सैकड़े में 1 है, यानी आपके पास जो मूल संख्या है वो 110 के बराबर है और इसमें से आपको इस 6 को घटाना होगा तो आपको मिलेगा 104। तो आपका जो परिणाम हुआ गुणनफल वो हुआ 104 और ये बराबर हुआ 8 और 13 के गुणनफल के। तो इस तरह से आप निकलम विधि का उपयोग करके दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं जिनका आधार एक ही है, और यहाँ पर उसका आधार आप देख रहे हैं 10 था और 10 का उपयोग करके हमने विचलन प्राप्त किया और फिर इस तरीके से हम गुणनफल को प्राप्त कर रहे हैं।